नमस्कार, लव जिंदगी में आपका स्वागत है। हाजिर हूँ लेकर खबर हफ्ते की, जो हर हफ्ते आपके लिए मैं कुछ खबर लेकर आती हूँ कि क्या हुआ पिछले हफ्ते। आइए गुजरी बातों को फिर याद कर लेते हैं। पहली खबर, भारत में कोविड-19 का वैक्सीनेशन 16 जनवरी 2021 से शुरू हुआ। इस सबसे बड़े वैक्सीनेशन अभियान को शुरू करने का निर्णय 9 जनवरी 2021 को लिया गया था। प्रधानमंत्री ने इसके लिए सभी केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों की तैयारियों की समीक्षा की थी। लगभग 3 करोड़ फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स को प्राथमिकता दी जाएगी। उसके बाद 50 वर्ष से अधिक आयु के ऐसे लोगों को यह वैक्सीन लगाया जाएगा जिन्हें कोई गंभीर बीमारी नहीं है। दूसरी खबर, प्रसिद्ध अभिनेता रजनीकांत के फैंस उनके सक्रिय राजनीति में न आने के निर्णय का विरोध करते हुए प्रोटेस्ट पर उतर आए। इस विरोध प्रदर्शन के बाद रजनीकांत ने एक स्टेटमेंट इशू किया जिसमें उन्होंने अपने फैंस से अनुरोध किया है कि वो इस तरह के अन्य विरोध प्रदर्शन न करें क्योंकि वो अपना निर्णय ले चुके हैं। आपको बता दें कि रजनीकांत सक्रिय राजनीति में प्रवेश करने वाले थे, लेकिन हेल्थ इश्यू के कारण उन्होंने अपना विचार बदल दिया और इसी कारण उनके फैंस विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। तीसरी खबर, भारतीय रेल ने हाल ही में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल कर ली है। रेलवे ने गोल्डन क्वाड्रिलेटरल गोल्डन डायगनल रूट पर अधिकतम रफ्तार 130 किलोमीटर पर आवर करने में सफलता हासिल की है। 1612 किलोमीटर के इस रूट में 1280 किलोमीटर के बीच अब ट्रेनें इसी रफ्तार से दौड़ेंगी। ये पूरा रूट दक्षिण मध्य रेलवे में पड़ता है। रेलवे ने बयान में बताया है कि लॉकडाउन के कारण रेलगाड़ियों की कम आवाजाही के अवसर का उपयोग कर इस मार्ग का अपग्रेडेशन किया गया है। चौथी खबर, भारत बायोटेक ने ब्राजील के लिए कोवैक्सीन की आपूर्ति के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। कोवैक्सीन को भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी ICMR और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के सहयोग से डेवलप किया गया है। कोविड-19 की रोकथाम के लिए भारत का पहला स्वदेशी वैक्सीन है। ब्राजील की तरफ से इस वैक्सीन को ले जाने के लिए हाल ही में प्लेन भेजा गया था। पांचवी खबर, दुनिया के सबसे बड़े ऑयल प्रोड्यूसर साउथ अरेबिया के क्राउन प्रिंस ने एक नई इको सिटी की घोषणा की है जिसमें जीरो कार्स, जीरो स्ट्रीट और जीरो कार्बन एमिशन होगा। 170 किलोमीटर के लंबे इस डेवलपमेंट को द लाइन ये नाम दिया गया है और इस प्रोजेक्ट को नेओम के सबसे बड़े प्रोजेक्ट के अंतर्गत डेवलप किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर पर अंदाजन $100 बिलियन से $200 बिलियन का खर्च आएगा। छठी खबर, प्रसिद्ध भजन गायक और बिग बॉस के कंटेस्टेंट अनूप जलोटा अब अभिनेता के रूप में नजर आएंगे। अनूप जलोटा श्री सत्य साई साई बाबा की बायोपिक में प्रमुख रोल अदा करेंगे। अनूप जलोटा ने इस रोल पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बताया कि वो इस रोल के साथ जस्टिस कर सकेंगे क्योंकि वो सत्य साई बाबा को काफी नजदीक से जानते थे और वे उनके फॉलोअर भी रह चुके हैं। उन्होंने कहा कि मैंने उनको देखा है कि वो किस तरह अपने भक्तों के साथ इंटरैक्ट करते थे। सातवीं खबर, 51वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का आयोजन गोवा में 16 जनवरी से 23 जनवरी के बीच किया जाएगा। इस फेस्टिवल में क्लाइडोस्कोप सेक्शन में 12 फॉरेन की फिल्म्स दिखाई जाएंगी जिनमें नाइट ऑफ किंग्स, लव अफेयर्स, द बिग हिट ये 3 फ्रांस की फिल्में अपने जगह बनाने में कामयाब रही हैं। साथ ही ग्रीस की एप्पल्स और लिथुआनिया की पार्थेनॉन भी टॉप 12 में फिल्मों में अपनी जगह बनाने में कामयाब रही है। ये थी पिछले हफ्ते की कुछ खबरें। अगले हफ्ते फिर लेकर आती हूँ खबरें आपके लिए, खबर हफ्ते की। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।